केरल में पूर्व गवर्नर शीला दीक्षित को आज विदाई दे दी गई। कल ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी सदाशिवम को केरल का गवर्नर बना दिया था। सदाशिवम भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें गवर्नर का पद दिया गया है। हालांकि इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है और विपक्ष की ओर से आलोचना भी की जा रही है और वो जल्द ही अब केरल के गवर्नर पद की शपथ हालांकि ले लेंगे। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है और कई दलों ने यह कहकर इसका विरोध किया है कि यह सही परंपरा नहीं है। इस बीच कल केरल के राज्यपाल बने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम ने आज अपनी नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर अपनी सफाई दी है। सदाशिवम ने कोयम्बटूर में कहा है कि उनके लिए ये अपने तजुर्बे के इस्तेमाल का एक बढ़िया मौका है और वो किसी पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं। Now this is an opportunity to utilize my 19 years experience as a judgeship and it may be useful for the state and I hope to develop good relations between state and center. I am not a politician. I am not supporting any political parties and I can utilize my rich experience to the people of Kerala.